आगे बढ़ते हैं, बात किसानों की करेंगे। एक और दौर की बातचीत के लिए पहुंच चुके हैं किसान विज्ञान भवन। सरकार और किसान दोनों आमने सामने होंगे बातचीत की टेबल पर एक बार फिर से, क्योंकि दो मुद्दे अभी भी ऐसे बाकी हैं जिन पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच कृषि मंत्री भी थोड़ी देर में विज्ञान भवन पहुंचने वाले हैं। कृषि मंत्री ने सकारात्मक माहौल में बातचीत की उम्मीद जताई है। अब तक की बातचीत में दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह भी है कि किसानों से बातचीत से पहले बड़ी बैठक अमित शाह के घर पर भी हो रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर वहां पर मौजूद हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वहां पर इस बैठक में मौजूद हैं, और ये बैठक भी बहुत अहम है क्योंकि किसानों से बातचीत से पहले गृह मंत्री के साथ वाणिज्य मंत्री और कृषि मंत्री दोनों बैठक कर रहे हैं, और ये बैठक बहुत अहम है आज की इस बातचीत से पहले जो कि किसानों के साथ होनी है। चार अहम मुद्दे, दो पर बात बनी, दो पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, किसान हटने को तैयार नहीं। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि बहुत अहम है। अभी जो अमित शाह के साथ बैठक हो रही है उसके बाद फिर उस बातचीत की टेबल पर बैठना है जहां पर आज किसानों से उन दो मुद्दों पर जो रह गए हैं जिस पर सहमति बननी है। देखिए, बिल्कुल दो मुद्दे वो हैं जिस पर सहमति नहीं बनी है। छठे दौर की बैठक के अंदर जो है नवजोत, इन दो मुद्दों पर सहमति बन गई थी, दिल्ली पॉल्यूशन एक्ट को लेकर और जी नवजोत, हिमांशु बोलिए, हम सुन पा रहे हैं। जी नवजोत, दो मुद्दों पर सहमति बनी थी, दो मुद्दों उसके बाद जब एमएसपी और तीनों कानूनों को लेकर बातचीत होनी थी तो चलिए, अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत अहम वो बैठक भी जो गृह मंत्री के साथ हो रही है और फिर उसके बाद टेबल पर, दोनों तरफ से रुख भले ही ये कहा गया हो कि सकारात्मक माहौल में बातचीत होगी इस उम्मीद के साथ जा रहा है कि कोई हल निकलेगा, लेकिन आज क्या कुछ हो सकता है और ऐसे में जबकि मध्यस्थ के लिए भी सरकार तैयार है और ऐसी पेशकश भी की जा रही है। अशोक सिंघल, देखिए नवजोत, सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म हो, पर बार बार किसानों को ये समझाने का प्रयास है कि जो तीनों कानून है आपके हित के लिए है, और अगर आपको कोई कंसर्न्स हैं, आपके इश्यूज हैं, हम उनको एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। एमएसपी गारंटी कानून की जहां तक बात है, सरकार ने बार बार कहा है कि एमएसपी पहले ही इतना जारी रहेगी, लिख के देने को तैयार है, लेकिन किसान जो है इस बात पे अड़ा है कि तीनों कानूनों को वापस होना ही पड़ेगा, कोई अमेंडमेंट की बात नहीं है, एमएसपी गारंटी कानून बनाना ही पड़ेगा। आज भी मेरी मीटिंग से पहले किसान नेताओं से बात की, उनका यही कहना था कि हम लंबा संघर्ष करने के लिए बैठे हुए हैं, कितना भी लंबा करना पड़े, और कल रिहर्सल भी की थी उन्होंने, परेड कराई थी जो रिहर्सल की 26 जनवरी को देखते हुए। तो किसानों का साफ तौर से कहना कि हम इससे कम नहीं मानेंगे, लेकिन सरकार बार बार यही कोशिश कर रही है कि किसान माने और आंदोलन छोड़े। सरकार बार बार ये क्लेरिफाई कर रही है, उनको समझाने की प्रयास कर रही है कि इन कानूनों को क्या फायदा है, लेकिन पिछली बार नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को ये कहा था कि हम बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे और लोगों से बात करने के बाद आपसे फिर बात करेंगे। तो अब किन किन लोगों से बात की है, कौन, क्योंकि सरकार का ये भी कहना है कि बहुत से किसान इन बिलों के समर्थन में, उनका कहना है कि ये बिल जो है बहुत फायदे के हैं, तो किन बहुत से किसानों से बात करने के बाद आज सरकार आकर के किसान नेताओं से बात करने वाली है और उनको क्या प्रपोजल लेके आते, क्योंकि किसान तो अपना स्टैंड साफ कर चुका है कि हम इन दो मुद्दों पे पीछे नहीं हटेंगे, पूरी तरीके से तीनों कानून वापिस हो, एमएसपी गारंटी कानून बने। अब सरकार क्या रास्ता निकालती है, सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी आंदोलन खत्म करे, किसान अपने अपने घरों में जाए, लेकिन आज अमित शाह से बैठक हो रही है, पहले भी अमित शाह के साथ, पिछली बार भी अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद यहाँ आए थे, अमित शाह खुद बैठक कर चुके हैं किसान नेताओं के साथ, तो सरकार किसी न किसी तरीके से इस रास्ते को, इस समस्या का हल निकालना चाहती है और आंदोलन को खत्म करवाना चाहती है ताकि किसान संतुष्ट हो सके, इसीलिए ये बैठक की जा रही है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, चाहे कोई मीडिएटर आ जाए बातचीत करने के लिए,
या खुद सरकार के जो मंत्री वो बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल अशोक सिंगल, हिमांशु जरा समझाइए, क्योंकि नानक सर वाले बाबा लखा सिंह को मीडिएटर के तौर पर बात हो रही थी, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले जब जितेंद्र बहादुर ने किसानों से ये बात की तो किसानों ने कहा कि जब हम खुद बैठे हैं टेबल पर तो फिर किसी मीडिएटर की जरूरत क्या है। और ऐसे में वहां उधर दूसरी तरफ गृह मंत्री से भी मुलाकात करने कृषि मंत्री वाणिज्य मंत्री दोनों पहुंचे हैं। क्या चल रहा है सरकार के जहन में, क्या रास्ता निकाल सकती है सरकार इसका? देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है वो रास्ता निकले, और खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जब भी बैठक होती है किसान और सरकार के मंत्रियों के बीच में, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ तीनों मंत्री बैठते हैं, चर्चा करते हैं, रणनीति बनाते हैं कि किस तरीके से जो है किसानों को समझाया जा सके। कल नानक गुरुद्वारा के जो प्रमुख हैं लखा सिंह, उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि वो मीडिएशन करना चाहते हैं किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सरकार चाहे तो ये एक संशोधन किया जा सकता है कि जो तीनों कानून हैं वो लागू किए जाएं या ना किया जाए, इसके अधिकार जो है राज्यों को दे दिया जाए। इसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था आप एक बार किसान संगठनों के साथ बातचीत जो है वो कर लीजिए, अगर वो एग्री होते हैं तो सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और लखा सिंह का उन्होंने स्वागत किया था, उन्होंने कहा था कि वो आए बातचीत करें क्योंकि मीडिएशन की बहुत जरूरत है, एक बैक चैनल बातचीत जरूर चाहती है सरकार, क्योंकि अभी तक जितने फ्रंट पर आकर बातचीत हुई है उस पर कोई भी नतीजा निकला नहीं है। दो बातों पर जो सहमति बनी थी वो सरकार ने पहले ही अपने प्रपोजल में भेज दी थी, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो बहुत बड़े इश्यूज हैं उसको लेकर किसी भी तरीके से जो है किसान जो है वो टस से मस नहीं होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तीनों कानून वापिस हो और सरकार चाहती है संशोधन हो, इसीलिए मीडिएशन की जरूरत है। और लखा सिंह ने खुद से आकर ये कहा था वो मीडिएशन के लिए तैयार है। लखा सिंह के लिए कहा जाता है कि उनके बहुत फॉलोअर हैं और बड़ी संख्या में पंजाब में उनको लोग मानते हैं, उनकी ग्रामीण एरिया में बहुत पकड़ है, और इसीलिए सरकार की भी एक कोशिश रहेगी कि अगर लखा सिंह की बात को किसान संगठन सुनते हैं तो सरकार को एक बहुत आसानी रहेगी। और आंदोलन में भी कई जगह जहां पर लंगर चल रहा है वो खुद ही लंगर चला रहे हैं, तो ऐसे में किसानों का रुख किसको लेकर क्या होगा? हिमांशु लौटूंगी, हमारे साथ अशोक सिंगल भी मौजूद है, लेकिन इस बीच हम आपको सुनवाते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कहा आज बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले। आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी, संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। सर लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली दो हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी दो कदम आगे बढ़े अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं, और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। सर जैसे सरकार ने कदम आगे बढ़ाए किसान भी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। सर बोल रहे सर और एक क्वेश्चन सर प्लीज, सर वो लोग बोल रहे हैं कि वो अपने रिपीट डिमांड से नहीं हटने वाले हैं, तो इसके नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।